नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मुरादाबाद की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध लाल बाग मंदिर। चलिए हमारे साथ और माता के दर्शन प्राप्त कीजिए। आज हम दशहरे के दिन ये दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर नवमी के बाद भीड़ भी कम होती है और दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं। ये हम लाल बाग की चेक पोस्ट पर पहुँच गए हैं जहाँ चेकिंग होती है। ये थोड़ी थोड़ी दुकानें चेक पोस्ट से लगनी शुरू हो गई हैं। ये दुकानें लग रही हुई हैं दोस्तों, साथ में छोटी छोटी दुकानों से बाज़ार बना हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे पहले के छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं जिनके दर्शन आप और हम करते चलेंगे। ये पार्किंग का स्थल है जहाँ मैंने बरखा और कार्तिक को उतार दिया था और मैं बाइक खड़ी करने आगे चला गया था। मैंने इन लोगों से कहा था प्रसाद ले लो, बट इन लोगों ने प्रसाद नहीं लिया, मेरा इंतज़ार किया और अब हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद में चुन्नी, नारियल, पान, फूल, लौंग, अगरबत्ती ये सब लगा के दी थी प्रसाद वाले ने। साथ में हमको कंडिया भी दी जो कि हमको वापस करनी थी प्रसाद चढ़ाकर। अब प्रसाद लेकर हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये है मंदिर का मुख्य द्वार जिससे हमें मंदिर में प्रवेश मिलता है या हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह यहाँ पहले सजावट की गई थी क्योंकि हम विजयदशमी पर गए थे रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे, जिसकी वजह से सारी सजावट उतरनी शुरू हो गई थी। साथ ही साथ ही 9 दिन से लगातार सजावट लगी हुई थी तो अब थोड़ी मुरझा सी गई थी। ये मंदिर में चढ़ने के लिए, अंदर जाने के लिए जीना है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, आने का अलग और जाने का अलग। अब ये हम मंदिर में चप्पलें उतार के बाहर की तरफ, जो मैंने आपको जीना दिखाया था, अब हम मंदिर में घुस रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ नवमी पर जागरण हुआ था जिसके लिए कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ लगाई गई हैं माता के 9 रूप। ऊपर देखिए ये कितना अच्छा फूलों से सजावट की गई है। साथ ही साथ यहाँ माँ, ओम, स्वास्तिक जैसे शब्दों को लटका कर कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है। चलिए दोस्तों, ये है लाल बाग वाली मरघट वाली काली माता जिनके दर्शन करने हम यहाँ आए हैं। दर्शन कीजिए आप भी दोस्तों। ये माता के सामने के गेट एंट्रेंस से दर्शन थे। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी सजावट की गई है। ये माता का दरबार आज दशहरे पर भी लगा हुआ था क्योंकि नवमी की रात्रि में यहाँ जागरण हुआ था। माता ब्रह्मचारिणी, माता कालरात्रि, माता चामुंडा, माता ब्रह्मचंद्रघंटा, शैलपुत्री, ये सब माताओं की झांकियाँ लगी हुई थी यहाँ पर। ये सब डेकोरेशन उतरनी शुरू हुई है दोस्तों अभी। अब हम लोग वापस जा रहे हैं मंदिर से निकलकर और हम जो वहाँ छोटे छोटे और मंदिर बने हुए हैं उनमें दर्शन देख करेंगे भगवान के। चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और दर्शन करते चलिए दोस्तों। ये आश्रम है बाबा का जहाँ मठ के प्रधान की प्रतिमा और उनकी समाधि है। ये राम दरबार मंदिर, राधा श्याम मंदिर, भोलेनाथ और प्राचीन हनुमान जी का मंदिर,
दोस्तों अब आए हैं हम यहाँ पर लाल बाग मंदिर से निकलकर श्री पंचदास आश्रम में, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी की तीनों पिंडियाँ बनी हुई हैं। हनुमान बाबा का मंदिर बना हुआ है, भोलेनाथ का मंदिर, राम दरबार, शिव परिवार, ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर। इसके बाद हम गए खाटू श्याम मंदिर में दोस्तों, जो कि वहाँ अभी नया बना है। खाटू श्याम बाबा के दर्शन कीजिए दोस्तों। यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के साथ और भी कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, हम आपको सबके दर्शन कराएंगे। माता शेरों वाली, माता शीतला, माता कालरात्रि, माँ चामुंडा का मंदिर, माँ शेरों वाली का मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें वहाँ छोटा सा मेला लगा हुआ था, वहाँ ब्रेसलेट्स वगैरह देख रहे थे मैं और कार्तिक। इसके बाद अब हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। मैं बाइक लेने चला गया हूँ और बरखा और कार्तिक इंतज़ार कर रहे थे, अब हम लोग साथ निकल रहे हैं। आशा है आपको भी दर्शन अच्छे लगे होंगे दोस्तों। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। अपना साथ हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए, ताकि हम आपको और ऐसे ही दर्शन करा सकें।